इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और युवक के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है। ग्राम नगला छेड़ी से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त को जेल भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। ग्राम नगला छेड़ी से युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ग्राम नगला छेड़ी से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त को जेल भेजकर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम नगला छेड़ी से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है और अब पुलिस उस अभियुक्त से आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है, एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मैनपुरी से राजनारायण जुड़ चुके हैं। राजनारायण, पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैनपुरी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। आज एक मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां दन्नाहाट पुलिस ने एक अभियुक्त को पौनी के साथ गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से मैनपुरी पुलिस को पहले से इस अपराधी को तलाश थी। मैनपुरी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है पंचायत चुनाव को लेकर। नगला छेड़ी से मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने ये दबिश देकर गिरफ्तार किया है। जी, अभियुक्त के पास से क्या क्या मिला है पुलिस को? पुलिस को अभियुक्त के पास से एक पौनिया के साथ गिरफ्तार किया, और भी जिंदा कारतूस वगैरह साथ में और भी पकड़े गए हैं। बाकी पुलिस अपने हिसाब से कार्य कर रही है, आगे की जांच में जुटी हुई है कि आगे इसके किन किन व्यक्तियों के साथ संपर्क जुड़े हुए हैं। जी, तो ये जो अवैध हथियार पुलिस को अभियुक्त के पास से मिले हैं, तो क्या उस अवैध हथियारों के मेन सप्लायर का पता चल पाया है कि आखिरकार उस अभियुक्त के पास से वो कैसे हथियार आए थे? फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, वो देख रही है कि ये हथियार पंचायत चुनाव में भी इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर वहां पे इसे जब्त किया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी कब से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था? आरोपी बहुत दिनों से संलिप्त था, लेकिन मैनपुरी पुलिस सतर्क थी और काफी दिनों से इसकी तलाश में थी। आज एक मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने पहुंचकर वहां पे उसे गिरफ्तार किया है। जी, आरोपी से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आरोपी से पुलिस को पूछताछ में क्या कुछ मिला है? आरोपी फिलहाल पुलिस ने एक पौनी के साथ गिरफ्तार किया है, बाकी छोटे मोटे जो और भी जो बनाने हथियार बनाए जाने वाले उपकरण हैं, वो भी बरामद किए हैं पुलिस ने। बाकी पुलिस उसके बारे में और भी छानबीन कर रही है, क्या किन किन लोगों से इसके ताल्लुकात हैं और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते हैं। तो ये जो अवैध हथियार इसके पास से मिले, क्या इनका इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हिंसा भड़काने के लिए भी किया जा सकता था? बिल्कुल निपुण, आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह के लोग काफी नुकसान पहुंचाने में आगे रहते हैं। बाकी मैनपुरी पुलिस पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही तत्पर थी और मैनपुरी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस आगे इस मामले में क्या कुछ जांच करेगी? पुलिस आगे इस मामले को लेकर फिलहाल अभियुक्त को तो जेल में भेज दिया, बाकी आगे की कार्रवाई जांच के अनुसार करेगी। तो पंचायत चुनाव आने वाले हैं और इस तरह के ऐसे अभियुक्त की और गिरफ्तारी, पुलिस की क्या अभियान है आगे ऐसे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए? मैनपुरी पुलिस इस तरह के अभियान जगह जगह चला रही है, वो करहल थाना हो, जो दन्नाहार, कोरावली, सभी थानों में चेक पोस्टों पर पुलिस इस तरह के चला रही है। जो भी अपराधी है पुलिस के रूप से बाहर नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? पुलिस अधिकारियों का कहना है इस तरह के अपराधी
को लगाम लगाने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है, मैनपुरी पुलिस हमेशा सतर्क रही है और ऐसे रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर वैसे ही मैनपुरी प्रशासन ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं अपराधियों के खिलाफ। तो आखिरकार इस अभियुक्त की गिरफ्तारी कैसे की पुलिस ने? पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घर पहुंचा था, छापा मारने पर अभियुक्त घर में मौजूद था, भागने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके से पकड़ लिया और पकड़ के उसे जेल भेजा है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है, पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।